और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर खबर है। खबर ये कि इनेलो नेता अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार और सुभाष चंद्रा पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत चुनाव के वक्त पिन को बदला गया। प्रजातंत्र का गला घोटने का काम, कैसे पिन तब्दील किया गया, किस तरह से उस पिन की शाही बदल करके लोगों के वोट को कैंसिल करने का काम। हम तो ये आरोप लगा ही रहते कि भी पेन तब्दील किया गया और इसमें एक साजिश हुई है। लेकिन अब तो सुभाष चंद्रा जो उनका समर्थित उम्मीदवार था, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था ईटीवी के ऊपर चक्रव्यूह, उसके अंदर उसने ये बात मान ली कि षड्यंत्र हुआ और उसमें कहीं ना कहीं सुरजेवाला के भी हाथ है। तो अगर षड्यंत्र हुआ है, यह षड्यंत्र कोई किसी MLA के खिलाफ नहीं, ये षड्यंत्र कोई इस चीज़ के लिए नहीं है कि इससे किसी के ऊपर दाग लग जाएगा। ये षड्यंत्र तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रचा गया है, जो ये चुनाव करा रहे थे। उन MLAs का क्या कसूर है जिनको पता नहीं था कि ये साजिश रची गई, इसलिए इसमें क्रिमिनल FIR होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई और इस इलेक्शन को तुरंत इलेक्शन कमीशन को रद्द कर देना चाहिए।